जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए, तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो, खुद की नजर में गिर जाता है इंसान। जैसे मैंने देखा, जब सिलेक्शन नहीं हुआ या जब पेपर खराब हुआ विजय मीन्स का, तो यही कमेंट आ रहे थे, मेरा जेई का पेपर बहुत खराब हुआ, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर, या लिमिटेड एक्शन लिया, वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। तुम वो करते गए जो दुनिया तुमसे कराती गई, तुमने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। जब तुम्हारा दोस्त आके बैठा, बोला भाई चलते हैं घूमने, चलेगा साथ में घूमने, क्यों भाई उसकी हसरतें क्यों पूरी कर रहे हो, अपनी हसरतें नहीं पूरी करनी। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए, किसकी हसरतें पूरा कर रहे थे, इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरतें पूरी कर रहे थे। वो तो चाहता ही यूजर एंगेजमेंट होता रहे, पूरे टाइम यूजर एंगेज रहे, तुम स्क्रॉल करने में फंस गए। वो तुम खेल रहे थे बैटल ग्राउंड, खेल के तुमने कुछ अचीव नहीं किया, जिसने बैटल ग्राउंड बनाया उसने अचीव किया, उसको चाहिए था तुम्हारा एंगेजमेंट। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और फिर लास्ट में जाके ब्लेम गेम खेलते हो कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, इसके वजह से सेलेक्ट नहीं हुआ, उसके वजह से। जब तुम हारे तब तुम्हारी गलती थी, और जब तुम जीते तब तुम्हारी मेहनत थी, दोनों जगह तुम ही हो। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे ये जेई का पेपर अगर खराब हुआ है तो ये चेंज नहीं हो सकता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने हाथ में होती हैं, एक्शंस अपने हाथ में। इस पूरे साल अपने साथ एक नया गेम खेलो, वो मोबाइल का गेम नहीं है, वो दिमाग का गेम है, और वो गेम है ट्रूथ फास्ट, सच्चाई का व्रत। जो बोलेंगे, खुद से प्रॉमिस करेंगे, अपने दिमाग को धोखा, अपने दिल को धोखा नहीं देंगे। आज इस लॉन्च के अंदर तुम्हें बहुत मोटिवेशन हो रहा होगा, बहुत आगे आ रही होगी, आईआईटी बॉम्बे पहुंचेंगे, आईआईटी दिल्ली पहुंचेंगे, इस साल कोई गलती नहीं करेंगे, इस साल सारे टेस्ट देंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। पिछले साल भी ये प्रॉमिसेस तुमने खुद से की थी, पर वो सारी फेक प्रॉमिसेस थी। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो, तो पता है क्या होता है, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारे दिमाग का आपस में ट्रस्ट फैक्टर खत्म होता है, दिमाग कहता है इस पर ट्रस्ट नहीं करें, झूठा आदमी। तुम्हारे दिमाग तुम्हारे दिल के साथ रिलेशनशिप खराब होता है। जब किसी इंसान से झूठ बोलते हो, रिलेशनशिप खराब होता है ना, उसी तरह से तुम्हारा अपने दिमाग और अपने दिल के साथ भी रिलेशनशिप खराब हुआ है। और तभी ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे कुछ नहीं हो पाया।